बहुत सारे कस्टमर्स का हमारे पास कॉल्स आता है या हमारे यहाँ से जब कॉल जाता है कि क्या आपने डिजिटल बोर्ड लगवाया है, तो उन लोगों का कहना है कि डिजिटल बोर्ड तो हमने लगवाया है बट इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी पे वीडियो बनाएंगे, जिन्होंने डिजिटल बोर्ड लगवाया है और वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस वैसा ही रह रहा है जैसा ट्रेडिशनल बोर्ड्स पे था, उनको कोई इसका एडवांटेज नहीं हो रहा है, और जिन किसी को भी ऐसा हो रहा है वो हमें वीडियो में कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी का बोर्ड यूज कर रहे हैं और उनको भी लेने से कोई खास उनके ऊपर इफेक्ट, उनके क्लासरूम में इफेक्ट नहीं आया है। मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूँ आपका यूरेकाडेक चैनल पे। तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड लगाया है आपने बट आपका ट्रेडिशनल बोर्ड की तरह ही है और कोई खास फायदा नहीं हो रहा है और वो कैसे होगा। तो आज आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और जिन किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ एक कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे इसका एडवांटेज हो सकता है, और जब आप वीडियो भी देखेंगे उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो हमारे यहाँ का एक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा लोग है जो स्मार्टफोन रखा है, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का स्मार्टफोन रखा है, अच्छा रैम है, रोम है, लेटेस्ट फोन है, और उसका सिर्फ यूज क्या कर रहा है, कॉल को रिसीव करना, बात करना, डिस्कनेक्ट करना, इसके अलावे सिर्फ उस पर टाइम देखना, क्या टाइम हो रहा है, दैट्स इट। समटाइम्स जो है उस पे वो मैसेज भेज लेता है, टेक्स्ट मैसेज भेज लेता है। आपको क्या लगता है कि फोन लेने का, स्मार्टफोन लेने का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं, ये काम फीचर फोन से भी हो सकता है। जो पहले फीचर्स फोन आते थे उससे हम लोग कॉल इजिली बात कर सकते थे, हम लोग टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो बस अगर इतना ही करता है और कभी कभार फोटो ले लेता है तो इसका कोई खास यूसेस नहीं हुआ। उसका यूज एंड्रॉयड का अगर अच्छा रैम रोम के साथ है, अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, अगर एजुकेशन में इंटरेस्ट है एजुकेशनल एप्लीकेशन कर सकता है, हेल्थ फिटनेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, कुछ गाने मूवीज ओटीटीज जो होते हैं जिसपे मूवी वो देख सकता है, जिसमें भी उसको भजन अच्छा लगता है भजन के लिए कर सकता है, जिसमें भी उसको इंटरेस्ट है वो सारी चीजें इस पर कर सकता है, ये आपको भी पता है। अगर वो चीज़ें उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर रहा है, अपने रिमाइंडर्स नहीं डाल रहा है, अपने बहुत सारे ऐसे चीज़ है, मतलब अपने फिटनेस को उस पर वॉच और मॉनिटर उसके साथ नहीं कर रहा है, तो उसका कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है उस फोन का। वैसे ही अगर आपके पास ये डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है और आप ट्रेडिशनल बोर्ड की तरह ही सिर्फ यूज कर रहे हैं तो आपके लायक नहीं है, आपका काम ट्रेडिशनल बोर्ड पे ही हो जाता है, इसको लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने लिया है तो ये सोच के लिया है कि आपका क्लासरूम स्मार्ट हो जाए, इससे बच्चे को भी बहुत फायदा हो, टीचर्स को भी बहुत फायदा हो, और साथ ही साथ ये फाइनेंशियली भी आपको एडवांटेज दे, आपको एक एज मिले, आप भी एक अच्छे टीचर्स बन पाए, आपका भी एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। करने एक छोटा सा मैं डेमो अभी देने जा रहा हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेडिशनल बोर्ड पे मुझे पढ़ाना है, ऐसे एक ग्रीन बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, मैं आज एक छोटा सा टॉपिक ऐसे मैंने लिया है, एक फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर है क्लास 8 का, स्टैंडर्ड 8 में साइंस में फोर्स एंड फ्रिक्शन है, फोर्स और फ्रिक्शन पढ़ाना है। अगर फोर्स के बारे में मुझे बताना है कि फोर्स होता क्या है, पुल एंड पुश जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, जैसे अगर दरवाजे को हमें खोलना है या बंद करना है तो उसको पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। फुटबॉल है, अगर उसको पैर से मार रहे हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। बलून है, बलून फूला हुआ है, अगर उसको प्रेस करके दबा रहे हैं तो इसे पुल एंड पुश के कारण उसका मोशन भी चेंज होता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसका शेप भी चेंज होता है, ये सब इंपैक्ट पड़ता है और इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। और अगर फोर्स की टाइप की बात करें तो दो तरह का टाइप ऑफ फोर्स होता है, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ऐसे ही हम लोग जनरली शुरुआत करते हैं और बताते हैं। अब अगर इस चीज को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना है तो एक छोटा सा क्या डिफरेंस होता है वो मैं दिखा रहा हूं और कैसे होगा। तो यहां पे हमने एक
एप्लीकेशन डाला हुआ है कंटेंट का जो हमारे पास है, जो हम लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे ये अभी हो गया, मैं साइंस का कोई चैप्टर आपको बोल रहा था, साइंस ये बुक आ गया, अमेजिंग साइंस ऑक्सफोर्ड का बुक है, और इसमें जो है जो चैप्टर मैंने बात की थी फोर्स एंड फ्रिक्शन, वो 10th चैप्टर है। और ये जो है हमने टच किया, ये अभी ओपन हो रहा है। अब इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, ये सारे कुछ उसमें वीडियोस हैं। वीडियोस के साथ साथ आपको कुछ की पॉइंट्स इसमें मिलते हैं, की टर्म्स मिलते हैं, क्विजेज होता है, वर्कशीट होता है, और इसी तरीके से हर चैप्टर में हर क्लास के लिए, ये केजी से लेकर 12th तक का है, वो सारा कुछ हम दिखाएंगे एक छोटा सा डेमो में। बस अभी आप बने रहिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने इसको स्टार्ट किया, हमने इसको प्ले कर दिया। इंट्रोडक्शन फोर्स। हाउ डू यू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? बाय पुशिंग और किकिंग इट। हाउ डज अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन? अब ये जो वीडियोस है, जो हमने कंटेंट इसके साथ जो हम लोग देते हैं उसमें चल रहा है, ये डुअल लैंग्वेज भी है, और डुअल से भी ज्यादा लैंग्वेज में भी प्रेफर्ड है। तो ये अभी इंग्लिश में चल रहा है, अगर इसको हिंदी करना है, यहाँ पे हमने एक टच किया ऑप्शन है, देखिए इंग्लिश हिंदी आसामी आ रहा है, हिंदी हमने टच किया। किस प्रकार से चेंज करता है बॉल को स्टिक से पुश करके? आप एक इन्फ्लेटेड बलून की शेप कैसे चेंज कर सकते हैं बलून की साइड को पुश करके? तो हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और तेज मूव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना होता है। साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले पुश या पुल को फोर्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मिलने वाला मोशन उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स के कारण होता है। ये फोर्स या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन, या फिर उसकी शेप। इस तरीके से हम लोग फोर्स के बारे में यहां जाने, जो कि बहुत ही इंट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव था। आपने देखा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत क्लियर हो रहा होगा, बहुत क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट को, तो इंटरेस्ट इसमें आएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ ये सारा कुछ चल रहा है। वैसे अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स पे हमने ये इसको भी अगर हम हिंदी लैंग्वेज में अगर चला देते हैं, और ये स्टार्टिंग से भी मैं प्ले कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्स, हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश और पुल फोर्स होता है। ऐसे जो है हमारा ये टाइप्स ऑफ फोर्स, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे मस्कुलर फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे उस रिलेटेड जो है आपको वीडियोज आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स पे टच करते हैं। तो इस तरीके से फोर्स कुड बी अ पुश और अ पुल, यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है की पॉइंट्स, उसका जितना भी है सेकेंड की पॉइंट हो गया, ये थर्ड की पॉइंट हो गया, ये फोर्थ की पॉइंट हो गया, फिफ्थ की पॉइंट हो गया, इस तरीके से की पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसको कि आप यहां से बच्चे को दिखा सकते हैं। और ये हमारे की टर्म्स हैं, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स जो की टर्म्स है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा जो है हम लोग इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है जो दिख रहा है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड हम लोग डायरेक्टली जो इंटीग्रेटेड हमने सॉफ्टवेयर डाला है उससे ये हो रहा है। साथ ही साथ इस रिलेटेड आपको इमेज भी इसमें मिलता है, और डायरेक्टली यू कैन रियल टाइम, आप रियल टाइम में भी गूगल से सर्च करके यहाँ पे इमेजेस भी दिखा सकते हैं और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। तो कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिजिटल बोर्ड आपने लगाया है और उसके बाद भी आप ट्रेडिशनल बोर्ड की तरह ही पढ़ा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, ट्रूली कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे जिस भी कंपनी का आपने बोर्ड लगाया, कि कैसे करें, कैसे इस चीज को एनहांस करें, आप कंटेंट ये लीजिए। आपको आपके पास नहीं है, सिर्फ आप हमारे यहां से 5,000 to 10,000 रुपीज खर्च करके आप ये कंटेंट हमारे यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे क्विज, क्विज पे हम लोग आ गए। फर्स्ट क्विज को अगर हमने देखना है, क्या है क्विज में, ये देखिए कैसे क्विज, अगर इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये जहां के लिए ये करेक्ट होगा, क्योंकि मैं
इसको पढ़ नहीं रहा हूँ कौन कहाँ पे जाएगा, बस ऐसे लगा रहा हूँ। तो ये एक ना मतलब इंट्रैक्टिव भी है, स्टूडेंट आया इसको किया, कौन सा ऑप्शंस किसके लिए सही है, और उसको ना बहुत मजा आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। इस तरीके से अलग अलग क्विजेज को भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट क्विज ले लेते हैं। ये हो गया क्विज ट्रू फॉल्स करके है। अगर इसमें हमने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आंसर तुरंत बता दिया कैसा है क्या है। अब आते हैं इसके साथ ही साथ जो है वर्कशीट पे, इसमें वर्कशीट भी मिलता है। ये देखिए वर्कशीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर इज न्यूटन, न्यूटन पर स्क्वायर, मीटर्स, मीटर्स, जो भी आपको सही लग रहा है उसको कीजिए, उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। आप मैच भी कर सकते हैं, टाइम भी बहुत बच रहा है, पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। इन चीजों को ट्रेडिशनल बोर्ड पे पढ़ाने में यू विल टेक अ मोर टाइम, और यहाँ कम टाइम में बच्चे को भी बहुत मजा आ रहा है, टीचर का भी टाइम सेव हो रहा है, टीचर को भी पढ़ाने में आसानी हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज को भी ट्रांसफर कर पा रहा है। खान सर आज खान सर कैसे हो गए, स्टार टीचर इंडिया के कैसे बन गए, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टेंट। उससे पहले वही खान सर थे, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, बट तब उनको लोगों ने जाना और वो बड़ी ग्लोबल टीचर प्रेजेंस आज हो गया है उनका, बिकॉज कि वो उन्होंने डिजिटल बोर्ड लिया, स्मार्ट बोर्ड लिया, और उस पर कॉन्टेंट जो है प्रॉपर इसके लिए यूज किया और पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले भी पढ़ाते थे, ट्रेडिशनल बोर्ड पे पढ़ाते थे, बट उतना लोग जान नहीं पाया था, उतना लोग क्या बस लोकल में जो उनके यहाँ पढ़ने जाते थे उतने ही बस जानते थे, वो भी उस लेवल से नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि उस तरीके का कंटेंट या सिस्टम उनके पास नहीं था। उन्होंने स्मार्ट बोर्ड लिया, स्मार्ट बोर्ड पे एक सही कंटेंट के साथ पढ़ाना शुरू किया, उनका ऐसा डिलीवरी होता है उस कंटेंट के थ्रू कि हर लोग, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर लोग जुड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बहुत टफ नहीं है, वो कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं, वो कुछ पढ़ाने के लिए अलग लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, बड़ी देसी भाषा में सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, बस जो कंटेंट दिख रहा है उसको प्रेजेंट करते हैं। आप भी करके देखिए, आपको टफ लगता है करके देखिए, फिर भी टफ लगता है आप हमारे यहाँ जुड़ करके देखिए, हमारी टीम आपको कराएगी। एक बार आप जुड़ करके, एक बार बात करके देखिए, आप ऐसी चीजें करके देखिए, और साथ ही साथ आप ये चीजें कर रहे हैं, एक कैमरा लगाइए, सामने फोन लगाइए, नहीं होता है आपके पास फोन होगा, अगर प्रोफेशनल कैमरा नहीं है उससे आप अपने कंटेंट को शूट भी कीजिए, हाइब्रिड क्लास लीजिए, साथ में ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और इस क्लासेस को आप अपने सॉफ्टवेयर पे यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। सॉफ्टवेयर जैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है, आपके एक कोचिंग, आपका अगर एक्स वाई जेड कोचिंग का नाम है तो एक्स वाई जेड कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर पे आपका एक खुद का एप्लीकेशन होना चाहिए, जहां पे आप अपना कंटेंट सेव करेंगे, अपलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन को बच्चे डाउनलोड करेंगे, वहां से देखेंगे, वहां से आपका वीडियो देखेंगे, वहां से आपसे पढ़ेंगे, वहां से आपका पीडीएफ कंटेंट लेंगे और बाकी चीजें लेंगे, तो इस हिसाब से होना चाहिए। उससे क्या है, आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, प्रेजेंस बढ़ेगा। कोई एक जगह सिर्फ कोचिंग क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ा पाएंगे, ये कोच, ये जो एप्लीकेशंस है वो भी हमारी कंपनी आपको बना के देती है। सिर्फ अगेन 5 से 10 हजार रुपए आपको खर्च करने हैं, 5 से 10 हजार रुपए, कॉल कीजिए, पता कीजिए और जुड़िए, और वही एप्लीकेशन मिलेगा जो एक बड़े से बड़ा कोचिंग और बड़ा ब्रांड नेम वाला कोचिंग जिस तरह का एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जितने सारे फीचर्स यूज कर रहा है, वही आप एक बार डेमो लीजिए, उस सॉफ्टवेयर का भी डेमो लीजिए, हम लोग हो सकता है आगे उसका भी डेमो लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहिए, एक बार करके देखिए, एक बार जुड़ के देखिए, बिल्कुल आपका कोचिंग बदल जाएगा, आपका पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, आप भी एक टीचर से स्टार टीचर बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार करके देखिए, करके देखिए, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, कोई रातों रात ऐसे नहीं हो जाता है, चुटकी बजा के नहीं हो जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर कुछ कर ही नहीं रहे या उस सिस्टम को, उस चीजों को उसी ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं, आपने वैसे जगह से ले लिया जो कि कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ बोर्ड को आपको दे दिया, आपने खरीदा, बस काम खत्म, तो खत्म, तो फिर कोई खास फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब इसका फुल यूटिलाइजेशन हो। टेक्नोलॉजी तो आ गया, बट टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली यूज करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप ऐसे जगह से जुड़िए
जो कि आपको कंप्लीटली उसके रिसोर्स यूज करने के लिए लोग बता सके। आप हमारे यहां से जुड़ करके एक बार देखिए, एप्लीकेशन होना चाहिए आपका, कंटेंट के साथ पढ़ाइए, आप रियल टाइम में गूगल से आप कंटेंट निकालिए। यहां पे आपको बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर और टूल्स है जो इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कंटेंट, पढ़ा सकते हैं। बट कैसे होगा? बहुत टफ नहीं, बहुत सिंपल है। बट जब आपको इसका पता होगा या कोई बताएगा या आप ऐसा कोशिश करेंगे तब। ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, अभी भी नहीं हो रहा है, तो एक बार जुड़ करके देखिए। जो भी करेंगे, जिनका भी आपने कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन और बाकी रिसोर्सेस के साथ देखा होगा, उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, भगवान भी उनका साथ देगा और आपका भी। आप एक बार जुड़ के देखिए, ऐसे करके देखिए, मजा आएगा। आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।